नाज़रीन पूरे ज़मान पाक में आप कहीं पर भी जाएंगे आपको डिफरेंट कैंप्स नजर आएंगे, मुख्तलिफ खाने की चीज़ें मिल रही हैं, थ्रू आउट डिफरेंट खाने की चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन शाहिद भाई का कैंप एक है, फ्रॉम डे वन डेली डिशेज चेंज कर करके कुछ ना कुछ यहाँ से मिल रहा है। शाहिद भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज की खवा रहे हो? आज भटूरे हैं। भटूरे हैं तुम्हें लगता है लौरियाँ खुआ को मोटे कर करना है तुझे? लौरियों की भी बाहर से जो हमारे बहन भाई आए हैं उनके लिए ज़्यादा हम करते हैं ताकि वो यहाँ से कम अज़ कम लाहौर को याद रखें। कितनी डिशेज अब तक सर्व कर चुके हैं? हम वेरियस डिशेज हमने काफ़ी किए हैं, 8 से ज़्यादा, कभी गुड़ वाले चावल, कभी बिरयानी, कभी हाँ जी, कभी कीमा वाले नान, आलू वाला नान, पकौड़े, इस तरह की सारी चीज़ें लाहौर की सारी स्पेशलिटीज़ जो हैं वो हमने यहाँ पे कम अज़ कम। सबसे ज़्यादा रश भी आपके कैंप पे होता है? हमने डे वन से शुरू किया, उसके बाद हमें देख के सब लोगों ने भी, उनको भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, सब अब शुरू हो गए। थोड़ा कितना खर्चा कर बैठे हो? कोई मसला नहीं, खर्चे की कोई बात नहीं है। चले डेली कितने लोग हैं जो यहाँ से खाना खा रहे हैं कैंप पे? माशाल्लाह काउंट तो होता है ना कि बंदोबस्त इतने का? हमारा जो है थोड़ा सा एस्टीमेट होता है कि 1200-1500 लोग कम डेली का। 1200-1500? हाँ जी हाँ। इलेक्शन का मैंने पता नहीं लेकिन दुआवा ढेर कठिया कर रहे हैं। इलेक्शन तो ये हमारी जो लाहौर की तंजीम है उसके लिए भी और खान साहब के लिए भी कि आप जिसको मर्जी टिकट दें हमें कोई इतराज़ नहीं, और ये लेकिन ये है कि सबके कंसेंसस के साथ, हाँ सबको मिला हाँ, के बिठा हाँ, के। नाज़रीन चाय चोरी साहब का कैंप और डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होके मिल रहा होता है और जब भी आप आएंगे इसी तरह आपको रश नज़र आएगा। आज आपको डिफरेंट कैंप्स का विजिट करवाते हैं और ये बड़े कैंप्स में से एक कैंप है जहाँ पे डेली जिस तरह शायद भी बता रहे 1200-1500 बंदे का खाने का बंदोबस्त डेली होता है और ये एक कैंप है, बाकी कैंप्स भी दिखाता हूँ आपको। मियां साहब अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन मियां असलम इकबाल साहब के बड़े भाई हैं, सियासत भी सारी तुसी करते हो, पीछे बैठ के तुसी चला रहे हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्तों के नाल ही है जी सारे। जी रोटी टुकर तुसी चला रहे हो? रोटी टुकर डेरा चलाने भी हैं जी अपना अल्हम्दुलिल्लाह। डेरे ते आज किनवा दिन है? आज मेरा ख्याल है अल्लाह ना भुलाए तो मेरा 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए सर। किनिया कुछ शेवा पका चुके हो? जो कुछ होंदा सारा कुछ कर दे, लंगर दे विच जो देंदा बस अल्लाह तौफीक सारा करे। केड़ा केड़ा मनो गड़वाओ ना याद के कल ऐ सी परसों कुछ याद जड़ो गड़वाओ। असी बारबेक्यू भी कर बैठे हैं, बिरयानियां भी कर बैठे हैं, जर्दे भी कर बैठे हैं, हलीम भी कर बैठे हैं और भटूरे भी कर बैठे हैं, लड्डू पीठियां भी कर बैठे हैं। सारी जिहड़ियां जिहड़े बाहरों आ रहे ने लौरियां आइटमां खवा रहे हैं। ओके किन्ने क बंदियां दा बंदोबस्त करदे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई अंदाजा नहीं बंदियां किन्ना क जिन्ना क लंगर होंदे अल्हम्दुलिल्लाह ਇਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਡੁਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰ ਕੈਂਪ ਚ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕੱਢ ਜਾਏਗੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੜਨੇ ਪਏ ਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਮੌਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਕੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੈਂਪ ਮੇਂ खाने का क्या क्या बंदोबस्त है। ये एक इंटरेस्टिंग था, डिफरेंट था आइडिया था थोड़ा सा कि हर कैंप में जाएंगे कुछ डिफरेंट है, जो यहाँ पे पक रहा है वो अगले कैंप में नहीं होगा गारंटीड, जो इस कैंप में पक रहा है वो इससे अगले कैंप में नहीं होगा, जो उससे अगले कैंप में जाएंगे वहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा। आइए आज आपको कुछ कैंप विजिट करवाते हैं। नाज़रीन आज़म खान न्याजी साहब वाला कैंप मैंने पहले भी आपको बताया था कि सबसे हैपनिंग कैंप ज़मान पाक का ये है, जब भी आएंगे रौनक लगी होगी। आप देखिए अभी भी चारों तरफ भाईजान बंद बंद, अभी भी म्यूजिक चल रहा है, तराने चल रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन इस कैंप में आप जब भी आएंगे आपको तरह तरह का फूड मिलेगा, चाय मिलेगी, बैटरी का बंदोबस्त मिलेगा, आग मिलेगी, ठंड नहीं होगी। भाईजान आज क्या पकाया था? आज चिकन का गोश्त बनाया था। चिकन जी? चिकन या चिकन का गोश्त? चिकन बनाया था। अच्छा ओके जी। कितने लोगों का बंदोबस्त करते हैं? तकरीबन 4 देगों का। 4 देगों का जी। कितना बंदो में कितना हो जाता होगा? 4 कम से कम हो जाता है 300-400 बंदे का। और ये सारा दिन सिलसिला चलता रहता है जी? 24 घंटे चलता है। 24 घंटे जी। और खाने के साथ चाय भी है? चाय भी है, कावा भी है, दोनों। क्यों कर रहे हो? मतलब ये लोग आए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, किन के लिए कर रहे हो? खान के लिए मर जाएंगे यार, ये कोई काम बता रहे हैं आप? जान हाजिर है भाई, मर जाएंगे उसके लिए। और ये आज़म खान न्याजी है, अपना जिगर जानी है इमरान खान का। सबसे हैपनिंग कैंप ये है खुदाई कसम, पूरे में उसकी जोड़ी कोई नहीं है खान की, वो जाती तौर पर भी मतलब शुरू से ही ऐसा है और खान से लव करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बंदा आपके दर से रिस्क खा के जा रहा है, सब तो बड़ी गल है। उनका है ये खास, हमने कहा कोई नहीं जाना चाहिए 24 आवर्स। हाँ वो तो मैं जब भी आया तो रौनक लगी। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसको बताने की जरूरत ही नहीं इन बातों। जब भी आपने कुछ स्पेशल एक तराना भी अपना रिकॉर्ड कराया भाई? हाँ जी अपना कराया।
और कैंपों में जाए तो वहाँ सारे यही कहते हैं नाजिर का चल रहा होता है वहाँ पे तरह, किसी और कैंप में भी जाए तो आजम खान नियाजी का तरह इसी तरह इसी तरह। नाजिर एज ए सेड अर्लियर सबसे हैपनिंग कैंप है जो जमान पाक में, उनमें से एक कैंप आजम खान नियाजी साहब का है। पहले भी कह चुका हूँ बड़ा भी है, स्पेशियस भी है, लोग भी बैठे होते हैं और 24/7 फूड इज अवेलेबल। आज इन भाई लोग ने चिकन का गोश्त पकाया हुआ। ये बताएं कि डांस बंद कराया आपने? हाँ जी, वो मैंने आगे बंद करवाया क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। भाईजान आप लगा ले जी अपना, लगा ले आप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगले कैंप में चलते हैं, अगला कैंप भी अब्दुल्ला खान दुमर साहब का कैंप है। इसमें भी बड़ी रौनक है, जब भी आएंगे रोटी टुकर चल रहा है। मैं अब्दुल्ला साहब की तरफ बाद में आता हूँ, पहले आपको एक तमाशा दिखाऊं। नाजिया अस्सलाम वालेकुम। ये कब से सीख लिया आपने? ये हमने बनी गाला में सबसे पहले लगाई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह जमान पार्क में भी। इसका आगाज बनी गाला में। रोजाना जो खान साहब की मोहब्बत में आते हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं, ये भी और हम भी इंशाल्लाह करेंगे। सामान इनका मेहनत आपकी, देखिए सामान भी इनका, इनकी बहने हैं हम, इनका बहुत शुक्रिया कि ये अलाउ करे कि हम बना। मेरी कोशिश होती है डेली तकरीबन 100-150 नहीं, ये आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डेली आप लोग भी खाना सर्व कर रहे हैं जी? कितने दिन हो गए? 15वां दिन आज। लंगर डेली चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खिला चुके हैं लोगों को? अब तो इतने डिशेस खिला चुके हैं कि मुझे खुद याद नहीं कि कौन कौन से मेन्यू चेंज होता है। बंदा वहाँ जितने डेरा पकता हो ना रोटी टुकर लबे इज्जत नाल, मेरे बंदे उनकी बड़े चंगे लगे। जिस तरह एक होटल का माहौल होता, प्रॉपर सफाई करके सानू इस तरह लग रहा है जिस तरह साडे कस्टमर आ रहे हैं और असीं उन्हां को पैसे दे रहे हैं लेकिन है फ्री। ते बड़ा सुकून मिलता, बड़ा यकीन करो कि जी जी और लोग दुआवां दे के जांदे है, मेरे मेरे कायद नु भी दे के जांदे, मेनू मेरे रिस्क दी दुआवां ही ते तार दियां ने इंशाल्लाह। ये दुआवां ही ते तार दियां ने बिल्कुल। डेली किन्ने के लोगों का बंदोबस्त करते हैं? तकरीबन कोई असि हुण पहुंच चुके हैं 1500 बंदे तक पहुंच चुके हैं। यस, और इहदे विच इह कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ इधर दे लोग खाना खाण गए। हो सकदा किसी फुटपाथ तों कोई गरीब उठ के आके खाना खा ले, जिहड़ा आके साडे टेबलां ते बह गया ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਔਰ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮੇਕਸ ਮੀ ਹੈਪੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਖਾਏ, ਰਿਜ਼ਕ ਬੜਤਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾ ਕੀ ਮਖਲੂਕ ਮੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬਾਂਟਤਾ ਹੈ, ਤਕਸੀਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਹਾਂ ਕੀ ਰਿਵਾਇਤ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਕੀ ਰਿਵਾਇਤ। ਆਈਏ ਕੁਝ ਔਰ ਕੈਂਪ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈਂ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੌਣ ਸਾਲ ਕੇ ਆਪ ਲੋਗ ਕਾ? ਸਰ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਪੀਪੀ 153 ਐਨਏ 122। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? जगह हमारा ये लिदड़ मनहाला गांव है हमारा, जिसे इम्तियाज मनहाला बिलोंग करते हैं। जिला लाहौर। लाहौर, ओके। लिदड़ दनाला चपरले पास, ओके जी जी। तुसी भी रोज लंगर पका रहे हो? जी रोज ही। किनवा दिन है आज? आज सानू 13वां या 14वां दिन है शायद। की खवा बैठे हो? सर बिरयानी, कोरमा, पकौड़े, चाय वगैरह। ते डेली दे चाल जी पक रहे है आज? सर चाय नाल पकौड़े ने। चाय किथे? पकौड़े ते नजर आ रहे ने, चाय किथे? चाय सर ओ बन रही है सर। अच्छा आओ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ 500-600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਏ ਪਕੌੜਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਜਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰਮਾ ਵਗੈਰਾ। ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਪਕਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਖਵਾ ਰਹੇ? ਸਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸਾਡਾ ਅਵਲੀਨ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਿਸਕ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਓਗੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਸਿਫ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੇ ਬਟ बंदोबस्त कर रहे हो? तकरीबन 700-800 बंदा बन जाता है रोज का। रोज का पैसे इन्हें कितों ले आ रहे हो? खुदा देंदा है इन्हे पैसे, 700-800 बंदे का लंगर रोज का खुदा देंदा है। खुदा ते लंगर का मकसद की है? खिदमत अपने कायदी के वास्ते, असि हर चीज हाजिर है साडी। कोई भी आ जाए, जिधरों भी आ जाए, लंगर जिथों मर्जी आ जाए, सब दोस्त खा के जाते हैं, किसी ने दोस्त का कोई फर्क नहीं है। वेरी गुड। डंडे क्यों पड़े? डंडे अपनी सिक्योरिटी वास्ते, अपने कायदी सिक्योरिटी वास्ते। मैंने ना ड्राप राई हेठा कर, हेठा कर, मैं डर लगता पे उतार जी पड़ ली सिक्योरिटी वास्ते। सर ये की पैगाम देने डंडे चुके? ये असि अपने कायदी हिफाजत वास्ते,
हर लम्हा हर वक्त असि तैयार हां 24 घंटे कैंप ते हो 24 घंटे कैंप ते सो भी इधर रहे हो हां जी सो भी इधर रहे लंगर भी 24 घंटे चल रहे हैं लंगर भी 24 घंटे चल रहे एंड ते मेरी दरखास्त है जी के लंगर जिन्ना वंडोगे रब रिस्क ओना बताए बिल्कुल जी ऐसे तरीके रब दा वादा है जी ऐसे जिन्ना ओदी मखलूक दी खिदमत करोगे रब ओना रिस्क बताए सर शाम रात 1 बजे के बाद 5 बजे तक सुबह 5 बजे तक जलेब चलती है हमारी ना इधर रात ही जलेब जा रहे हां जी रात को जलेब ताकि लोग यानी के बकायदा मोटे करना है बकायदा हिफाजत पूरी तैयार है तो कुर्बानी नहीं करनी है ना बेचारे नहीं कुर्बानी की जरूरत ही नहीं पड़नी मेरे समझना मैं समझना अपने कायदे की हिफाजत वास्ते सानू हर वक्त तैयार रहना चाहिए थैंक यू वेरी मच नाज़रीन आसिफ भट्टी साहब मेरे भाई माइनॉरिटीज का कैंप है द गुड थिंग इज के बढ़ चढ़ के उतना ही सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी को या जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं जितना बाकी पीछे सारे कैंप कर रहे थे एवरेज यही है 500 से 1000 के दरमियान लोगों को डेली सर्व कर रहा है हर कैंप और इमेजिन करें कि सारे कैंप में से अगर आप थोड़ा थोड़ा चखना भी स्टार्ट करें तो आपका 10 दिन के अंदर 10 kg वेट तो बढ़ जाता है ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे कर रहा बिल्कुल बढ़ गया आपका कितना बढ़ गया मेरा तकरीबन 2-4 kg बढ़ गया थैंक यू आगे चलते हैं नाज़रीन कुछ और कैंप दिखाते हैं आप नाज़रीन मियां सलमान शुएब साहब हैं उनका कैंप है शुमाली लाहौर का मुझे भाई बता रहे हैं शुमाली लाहौर से ताल्लुक है मियां साहब का उनका कैंप है भजन कैसे हैं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह लंगर चल रहा है बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से परौंठा साग मक्खन चाय दूध पत्ती चाय भी पानी वाली नहीं चाय भी दूध पत्ती ये पीछे अभी भी बन रही है अभी भी बन रही है ये आप दिखा सकते हैं इसमें क्या क्या डाला हुआ है इसमें लाची सौंफ और अदरक और प्योर सही दूध मैं तो लग रहा है थोड़ी अफीम भी पांदे ओ अल्लाह हू अकबर यहाँ अफीम का काम नहीं है ये जहाद कर रहे हैं इमरान खान के साथ समझे कि ये अफीम का नाम ही नहीं हो सकता लोग के लंगर का बंदोबस्त कर रहे हैं ये साहबी नहीं है बहुत सारा होता है 2-3 बजे तक ये चालू रहता है रात 3 बजे तक कितने बजे आगाज करते हैं सुबह तो फिर नाश्ते से नाश्ते से जी नाश्ते के बाद चल तो चल बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे तरह डेली कुछ भी होता है ना 500 बंदा 700 200 की गिनती नहीं है इसमें लंगर चालू है बिल्कुल जब भी आ जाए मिलेगा जब भी आए इंशाल्लाह मिलेगा इज्जत से मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इतनी कुर्सी लगी हुई है हर कोई बैठ के पिएगा खाएगा तसल्ली से जाएगा एंड में आप मेरे से बड़े हैं उम्र में मेरे से बेहतर जानते हैं रिस्क जितना बंडोगे रब उन्ना बताएगा इंशाल्लाह बेले ऐसे ही इंशाल्लाह नाज़रीन इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान नाज़रीन कुछ और कैंप्स आगे चल के दिखाते हैं इस कॉन्टेस्ट इसका थोड़ा सा मकसद ये था कि आपको दिखाऊं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो खाना कहाँ से खाते हैं सोते कहाँ पे हैं उनके दिन रात गुजर कैसे रहे तो ये डिफरेंट कैंप्स आपको विजिट करवाते हैं